गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। जी हाँ, आप देखोगे पावर सेक्टर की जितने भी कंपनियां हैं, खास करके स्मॉल कैप कंपनियां, हर कंपनी के अंदर आप देखोगे हमें जो ना ज़बरदस्त शेयर प्राइस में इनके ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। उनके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बताया है। आप देखोगे इंडिया के जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर आप जिनको बोल सकते हो, या फिर जो ना इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है, वे बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो ना अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यानी ग्रीन पावर की तरफ जो ना उनका रुझान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और इंडिया भी आप देखोगे ग्रीन पावर की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही है, जिसके बेस पर आप देखोगे कितनी भी स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं उनको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उनके अंदर अच्छी ग्रोथ आएगी तो शेयर प्राइस में भी आप देखोगे ज़बरदस्त तेज़ी बननी लाजमी है। तो यहाँ से आप देखोगे नंबर एक पर आते हैं अडानी जी। उन्होंने कल की न्यूज़ आपने देखी होगी, वो भी जो ना 500 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी के अंदर। जी हाँ, 500 करोड़ का। और सेकंड पर आप देखोगे मुकेश अंबानी जी, उन्होंने तो 75,000 करोड़ का मंडे को उनकी हुई एजीएम के अंदर बताया है कि वो जो ना 75,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं, सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिनके अंदर आप उनके जो मतलब कि फोकस है उनका पहला नंबर एक आप देखोगे 25 गीगावाट्स का है। जी हाँ, 25 गीगावाट्स का। और सेकंड जो उनका टारगेट रहेगा आने वाले 2025 तक, जी हाँ 2025 तक, वो रहेगा 100 का। जी हाँ, 100 गीगावाट का, सॉरी, ये जो 25 का जो हमें देखने को मिला 25 गीगावाट का, वो 2025 का टारगेट है उनका। और जो 2030 का टारगेट है वो आप देखोगे 100 गीगावाट का है। तो उनके द्वारा ये सब जो ना आप देखो भाई इंडिया कितनी तेज़ी के साथ जो ना इन सब की तरफ डेवलप हो रहा है, तो इन स्टॉकों के अंदर भी तेज़ी आना लाजमी है। यहाँ से मैं बात करूँ अगर ओरिएंट ग्रीन पावर की, और आप देखो रिलायंस पावर की, और आप देखो भाई सुजलोन एनर्जी, जेपी पावर, इन सभी के अंदर जो ना जो ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, इनके अंदर अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अगर मैं बात करूँ ओरिएंट ग्रीन की, तो यहाँ से आप देखोगे भाई स्टॉक के अंदर में क्या देखने को मिलता है, चार्ट आखिर क्या संकेत दे रहा है। आप देखो भाई स्टॉक के अंदर पीछे एक हैवी करेक्शन हमें देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक हमें अप्रोक्सीमेट 6 से 5 रुपये के आसपास आते देखने को मिला था नीचे में, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे स्टॉक ने फिर से नीचे से बॉटम बनाया, और बॉटम के बाद आप देखोगे अच्छी तेज़ी बन रही है, और ऊपर में आप देखो फिर अच्छी तेज़ी बनी, और स्टॉक हमें जो ना ऊपर में 10 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करते हुए नज़र आया, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक, और एक बड़ी कैंडल के साथ हमें जो ना बड़ी गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। फिर यहाँ से आप देखो कंसल्टेंट करते हुए स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। फिर काफ़ी टाइम के बाद आज आप देखोगे स्टॉक के अंदर फिर से हमें जो ना यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है, फिर से स्टॉक के अंदर जो ना आज यूसी लगा है। आज आपने देखा होगा ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर है, नीचे से माल को उठाया जा रहा है, हर सेक्टर की कंपनी आप देखोगे आज इसके अंदर भी हमें जो ना बड़ी बड़ी बल्क डिले देखने को मिल रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से जो टारगेट निकले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखोगे भाई नीचे में जो सपोर्ट निकला है हाल फिलहाल वो रहेगा 8 रुपये 95 पैसे। जी हाँ, 8 रुपये 95 पैसे का नीचे में सपोर्ट है। ऊपर में अगर मैं बात करूँ टारगेट की, तो आप देखोगे 9 रुपये 80 पैसे का इसका टारगेट रहने वाला है। जो ये स्टॉक हमें कल यानी मंडे को ब्रेकआउट करते हुए नजर आएगा, कल तो मार्केट ऑफ है तो मंडे को ब्रेकआउट करते हुए नजर आएगा, जैसे स्टॉक 9 रुपये 80 पैसे से ऊपर में सस्टेन करता है, जी हाँ 9 रुपये 80 पैसे से ऊपर में सस्टेन करता है, तो फिर हमें जो ना ये स्टॉक 10 रुपये 60 पैसे के टारगेट दिखाने वाला है। फिर उसके बाद आप देखोगे 12 रुपये 20 पैसे का टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट हमें जो ना ये स्टॉक अचीव करते हुए नजर आएगा। जो ऊपर का 12 रुपये का टारगेट निकला है, ये आपको ये जो ना क्वार्टर टू के बाद देखने को मिल जाएगा। सितंबर क्वार्टर है, जो इसके रिजल्ट आएंगे सितंबर क्वार्टर के, उनके अंदर आप देखोगे 12 रुपये 20 पैसे को ब्रेकआउट करते हुए नजर आने वाला है। क्या पता यहाँ से भी हमें जो ना ये स्टॉक जल्द ही इसको ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। अगर स्टॉक ऐसे ही हमें सस्टेन करते हुए नजर आएगा, प्रोड बुकिंग देखने को मिलेगी, तो फिर जो ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई अप एंड डाउन करता रहेगा स्टॉक। तो स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी बनने वाली, जैसे यहाँ पर एक तेज़ी बनी तो यहाँ पर भी हमें जो ना एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलने वाली है, जो ऊपर में फिर ये 12 रुपये को ब्रेकआउट करने वाला है। तो इसके ऊपर में टारगेट निकले जो मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी बल्क डिले कैसी रही है, और आज इसके अंदर क्या पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। तो भाई आपको पता ही होगा स्टॉक के अंदर तेजी का रीजन क्या है। आपको ये तो पता है कि स्टॉक के अंदर तेजी आ रही है, लेकिन तेजी के पीछे का रीजन आपको शायद ही मुश्किल पता होगा। आज यहाँ पर आप देखोगे जो लार्ज डीले हमें देखने को मिली है इंट्राडे के अंदर, जो बल्क डीले हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर ये तेजी आई, ये पंप आया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमें जो है इसके अंदर ये तेजी देखने के पीछे का रीजन क्या है। इसके अंदर हमें आज 2 बल्क डील देखने को मिली है एनएससी के अंदर,
और यहाँ पर आप देखोगे एक तो हमें देखने को मिली है अप्रॉक्सीमेट 4,50,000 के आसपास और दूसरी हमें देखने को मिल रही है 5,00,000 के आसपास। तो ये दो बग डिले हुई है, लास्ट डिले आप जिसको बोल सकते हो, ऊपर से माल जो ना उठाया जा रहा है। और यहाँ से आप देखो भाई ये हमें देखने को मिली है 12:43 और एक हमें 10:51 पर देखने को मिली है। तो नीचे से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, स्टॉक को पंप हो रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज के बारे में, आज इसकी क्या पोजीशन देखने को मिली है, कल तेजी आएगी या फिर करेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ओरिएंट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जबरदस्त तेजी आई है। और आज यहाँ पर आप देखोगे भाई सिर्फ और सिर्फ बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप जो 26,00,000 का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग पड़ा है बाय के लिए, जी हाँ बाय के लिए ऑर्डर लगा हुआ है और सेलिंग के लिए एक ऑर्डर भी नहीं है। जबरदस्त तेजी, गजब की तेजी हमें बनते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देखोगे जो आज डिलीवरी उठी है वो 63% की, जी हाँ 63% की, और जो ट्रेडेड क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है 51,00,000 की और जो डिलीवरी उठाई गई है 32,00,000 की, यानी जबरदस्त माल उठाया गया। तो कल भी स्टॉक के अंदर हमें जो है 5% का यूसी देखने को मिलेगा, यानी मंडे को, जी हाँ मंडे को स्टॉक के अंदर 5% की गजब की तेजी बनने वाली है, क्योंकि जबरदस्त माल उठाया जा रहा है और आप देखोगे ऑर्डर भी पेंडिंग पड़े हैं, तो अच्छी तेजी बनने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।